रोहित शर्मा चले गए डिप्रेशन में। रोहित शर्मा को डिप्रेशन से आने के लिए लगा बड़ा वक्त। जी हां, दरअसल वर्ल्ड कप हारने के बाद पहली बार सामने आए कप्तान रोहित शर्मा, उन्होंने खुद ने यह बयान दिया है कि वर्ल्ड कप हारने के बाद में वो डिप्रेशन की स्थिति में चले गए थे और उन्हें इसे बाहर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी वाइफ ने ही उनका सपोर्ट किया। जी हां, क्योंकि रोहित शर्मा इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से 10 मैच जीते और आखिरी में जब हम वो फाइनल मोमेंट हार चुके थे तो उसके बाद मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और सिर्फ उनकी वाइफ और देश का सपोर्ट मेरे साथ था। उन्होंने यहां तक भी कहा कि यही भारत का प्यार था जिस वजह से हमें ज्यादा ट्रोल नहीं किया गया, वरना ये भारत देश है, इसमें न जाने कब क्या हो जाता है। और ये हमने काफी बार देखा है कि कोई भी खिलाड़ी या कोई भी टीम जब भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो उसे ट्रोल करना शुरू कर देती है। यहाँ भारत की कुछ संस्थाएं हैं और खुद रोहित शर्मा ने कहा कि वो किसी वैकेशन पर जाना चाहते थे और लंबे वक्त में अपने टीम के साथ रहना चाहते थे, पर वो चाहते थे कि मैं कहीं बाहर जाऊं और अपनी वाइफ के साथ में घूमूं फिरूं। और उसके बाद में वो अब कह रहे हैं कि मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ में वनडे सीरीज में कप्तानी करूंगा और ये भी उनका स्टेटमेंट है कि अब मैं टीम को लीड करने जा रहा हूं और अब टीम के साथ में रहूंगा। वैसे आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।